देखो मेरा सूखा दूध के बर्फी ना दूध लगी ना मावा लगी, फिर भी मेरा सूखा दूध के बर्फी कितनी सुंदर बनी है। खाने में तो इतनी टेस्ट है कि क्या बताऊं, और बन भी गया मुश्किल से 15 मिनट में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूखा दूध की बर्फी। उसके लिए मैं एक कटोरी सूखा दूध ली हूँ, आधी कटोरी ये चीनी ली हूँ, एक काजू, बादाम, पिस्ता तीनों के मैं बारीक काट ली हूँ, एक खरबूजा के बीज है, ये इलायची पाउडर है, एक केसर को मैं थोड़ी सा पानी डाल के छोड़ दी हूँ कलर लाने के लिए, एक घी है। ये बर्फी जमाने के लिए मैं ये बर्तन ली हूँ, इसमें बटर पेपर लगा दी हूँ, थोड़ा सा ऊपर से घी लगा दी हूँ। इसमें मैं पहले ही एक काजू बादाम जो मैं काट के रखी हूँ बारीक वो इसमें डाल देती हूँ। एक खरबूजा के बीज है ये भी डाल देती हूँ। अब इसको मैं उठा के अलग रख देती हूँ। अब मैं ये दूध में घी मिलाऊंगी। ये परात में मैं दूध डाल दी हूँ, अब इसमें मैं घी डालूंगी। इसमें 3 चम्मच मैं घी डाली हूँ और मिला रही हूँ। अगर कम पड़ेगी तो और मैं घी इसमें डालूंगी। इसमें अभी और थोड़ी सा घी डाल रही हूँ। यह देखो मैं अच्छे से घी मिला दी हूँ। अब इसको मैं साइड में रखती हूँ, कढ़ाही चढ़ा दी हूँ। कढ़ाही में अब मैं चीनी डाल देती हूँ। जितना मेरा चीनी है उसकी आधा मैं पानी डालूंगी। अब इसको मैं चलाते रहूंगी, थोड़ा सा मैं इसको चिपचिपी चाशनी करूंगी। यह देखो मेरा चाशनी खौल गई है और चिपचिपी भी हो गई है। अब मैं जो केसर भिगा के रखी हूँ वो डाल देती हूँ, इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिलाऊंगी। अभी मेरा ये चाशनी हो गई है चिपचिपी। अब मैं गैस को मध्यम करती हूँ। अब इसी में मैं जो घी मिला के दूध रखी हूँ ये इसमें डाल देती हूँ। अब इसको धीमी गैस में थोड़ी देर मैं भूंजूंगी इसको। देखो मेरा दूध भी खदक गई है डालने के बाद, लेकिन अभी मैं इसको भूंजूंगी एकदम धीमी गैस में। यह देखो मेरा कढ़ाही छोड़ दी है और ये तैयार हो गई है जमाने के लिए, बर्फी जमेगी जो। अब मैं गैस बंद करती हूँ। अब मैं ये कढ़ाही से दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ जो जिसमें मैं काजू बादाम रखी हूँ। यह देखो ऐसे ही मैं इसको चिकन कर दूंगी। देखो ये चिकना हो गई है। अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। यह देखो ठंडा हो गई है। अब मैं इसको काटूंगी, तो इसको पहले मैं पलट लेती हूँ। ये देखो ये बटर पेपर निकाल दी हूँ। अब मैं इसको काटूंगी।
या देखो मैं काट ली हूँ, अब इसको मैं दूसरे प्लेट में रखती हूँ। देखो मेरा सूखा दूध के बर्फी, ना दूध लगी ना मावा लगी, फिर भी मेरा सूखा दूध के बर्फी कितनी सुंदर बनी है। खाने में तो इतनी टेस्ट है कि क्या बताऊं, और बन भी गया मुश्किल से 15 मिनट में। अगर आपको सूखा दूध के बर्फी अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।